राजा को ट्वेंटी कट दिए जाने पर फिल्म की टीम ने हाई कोर्ट का रुख किया है फिल्म के जिस सीन, सीन एडवोकेट अशोक सरावगी भी इस मौके पर मौजूद थे फिल्म की टीम ने फिल्म को ट्वेंटी कट दिए जाने पर सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई तो आइए सुनते हैं इस मौके पर फिल्म की टीम ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं आई थिंक सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट देर इज अ प्रॉब्लम एंड देर आर फ्यू पीपल दे आर बिहाइंड नॉट प्रोवाइडिंग मी द प्लेस टू एक्ट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड गॉड इज देयर ऊपर वाला है और वो बेशक वो Uh, किसी के साथ गलत नहीं करता है और ये लोग जो कर रहे हैं ये ये, ये सही ढंग नहीं है ये ये तौर तरीका ही नहीं है जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था इस सिनेमा में ऐसा था अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं फिल्म तो दिखाइए मुझे मंच तो प्रदान कीजिए मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए ऐसी क्या गलती मैंने कर दी मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि मैं मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा दिस इज रॉन्ग आई थिंक आई थिंक दिस इज दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड वी आर वॉचिंग एंड दिस इज दिस इज मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग बट दे आर इनडायरेक्टली डूइंग वेरी नेगेटिव जॉब जो वो रॉन्ग टाइप के लोग करते हैं गोविंदर जी आपसे भी जानना चाहेंगे एक्चुअली आप आपका रिएक्शन क्या है टोटल इस ओवरऑल इस मुद्दे को लेकर पहले तो मैं यह कह दूं कि मैं मर्फी बॉय नहीं हूं <laughs> मेरा ये सोचना है कि अच्छाई उतनी ही हद में अच्छी लगती है जितना कि वो अच्छा लगे ये ये बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय पहलाद जी का कि ये आज ये समा ऐसा हुआ है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूं जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं कहा ये आज से नौ वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे या लगे तो उसे मंच प्रदान हो सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई मेरे जितने आर्टिस्ट आ, मित्रगण है वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई गोविंदा ये रिलीज कैसे नहीं हुई मैं चुप हो गया मुझे ये आदत पड़ी है मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया कि भैया ये सब भाग्य पे है आप उसे भूल जाइए काम कीजिए आगे निकलिए तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई यह कह कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो हो सकता है फाइन फिर अष्टविनायक की फिल्म मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई रोहित शेट्टी के साथ वाली मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई उसे मंच नहीं मिला ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं चाय गरम टाइप जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम सौ करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो नौ दस वर्ष हो गया है वो रिलीज नहीं हुई उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई आप सब जो पत्रकारगण हैं सभी ने बहुत तारीफ की थ्री एंड हाफ रेटिंग मिली उसे तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है ये सिनेमा समझते हैं देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं सोचने के बाद कहते हैं सभी ने तारीफ की उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले क्यों ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहाँ से थिएटर दे दे तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट हलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं ये तो हद हो गई अब यह सोचने का विषय है एक आदमी सह सकता है दो चार तीन चार पांच साल नौ वर्ष हो गए भाई क्या है प्रॉब्लम कहा है प्रॉब्लम और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है मैं ये मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा मेरा यह सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं ये तो मैं ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा कर दी है ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास नौ वर्ष का पूरा लेखा जोखा है यह ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है तकलीफ नहीं है मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से आई थिंक सो आई स्टार्टेड फीलिंग

जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था इस सिनेमा में ऐसा था अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे फिल्म तो दिखाइए मुझे मंच तो प्रदान कीजिए मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए ऐसी क्या गलती मैंने कर दी मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि मैं मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है आ, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका उसका सिनेमा देखते हैं उसे मंच प्रदान करते हैं उसे सम्मान देते हैं और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है ऊपर वाले ने बहुत मुझ पे कर्म किया वो वो तो है परंतु क्योंकि ये आदरणीय पैहलाद के साथ ये हो रहा है मैं किसी भी आ, भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है ऐसी कभी मंशा नहीं है मेरा ये सोचना है कृपया मंच तो प्रदान करें काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें और ऐसा हाल रहा तो मैं फिर मैं क्या कह सकता हूँ और मैं बेचारा के या लाचार हो के लोगों से भटकता फिर ऐसा मेरा उदेश कभी नहीं होता है मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया अब क्या है मोनू जी आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो मतलब मैं ये सब, सब मुझे मुझे ये सब मुझे ये सब टॉक्स अच्छे नहीं, नहीं लगते हैं मैं इस इंडस्ट्री से हूं और इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूं मुझे ये अच्छा नहीं लगता ये शोभा नहीं देता ये दुखद है आप एक फलाद जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें जो आधा दर्जन सितारे आधा दर्जन सितारे फलाद जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं आप उसे मंच नहीं देंगे दिस इज रॉंग आई थिंक आई थिंक दिस इज दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड वी आर वाचिंग एंड दिस इज दिस इज मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग बट दे आर इनडायरेक्टली डूइंग वेरी नेगेटिव जॉब जो वो रॉन्ग टाइप के लोग करते हैं इट्स नॉट गुड इट्स नॉट गुड ये यहाँ का माहौल है ही नहीं ये फिल्म लाइन की ये ये, ये परिस्थिति कभी नहीं है मुझे लग मेरी मेरे देखे तो नहीं रही जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के इस टाइप के ऐसे टाइप के वैसे टाइप के लोग हैं आपका माहौल बहुत अच्छा है अब यहाँ पर एक भी रॉन्ग नहीं है फिर ये क्या है गोविंदा जी हम लाइव हैं लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या ये दिक्कत ये पॉलिटिक्स आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं खरे तौर पे या फिर सरकार से आपको आप मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ मैं कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा आज तक कभी किया भी नहीं मैं चाहूँगा भी नहीं मेरा यह सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड परंतु ये ऐसा हुआ है हो सकता है पुनः मैं कहूँगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़े आप मंच प्रदान आदरणीय प्रहलाद जी की फिल्म और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे हैं। उसे डेट्स नहीं मिल रही है ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहां पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं ये तब भी नहीं हुआ क्षमा चाहता हूं मैं उन लोग उन लोगों से जो शायद इन इन सब चीज़ों के पीछे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यह माहौल बदलें और मेरी बाकायदा ईश्वर से यह प्रार्थना है मैं खुदा से यह दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नज़र करे देखे उस तरफ कि भाई ये क्या है ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है भाई दिस इज़ नॉट डन दिस इज बैड क्षमा प्रार्थना है मैं एक्चुअली ज़्यादा सेंसर के बारे में जानता नहीं हूँ लेकिन आज मेरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है दुख हो रहा है कि एक तो मेरे राजा बाबू गोविंदा जी वन ऑफ़ द फाइनेस एक्टर्स मैंने इनके साथ थर्टी एट थर्टी नाइन फिल्म किए हैं जिसमें से पैंतीस सुपरहिट हैं आज वो अपने दिल की बात मीडिया के सामने रख रहे हैं मैं वो सुनकर बहुत परेशान हुआ हूं कि वास्तविकता में ये हो रहा है दूसरा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर अगर आज चार बड़े प्रोड्यूसर्स इस कंट्री में हैं, करण भगवान आपका भला करे साजिद वाला मैं उन्हीं के बराबर का समझता हूं पहलाज नैलानी है इन्होंने इतनी फिल्में दी है इस इंडस्ट्री को सर मैंने हर भाषा में फिल्म की है सर सात सौ से ऊपर फिल्में की हैं हर हर प्रकार की फिल्म की है ए प्रोड्यूसर बी सी लेकिन आज मैं देख रहा हूं जो मैंने सामने कट्स देखे हैं एक प्रोड्यूसर अपने हीरो को जिसको वो इंडस्ट्री में लेके आए आज सारे हालातों से लड़ते हुए करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया एक बहुत बेहतरीन फैमिली फिल्म बनाई जिसे यू का सर्टिफिकेट मिला है उसके बाद एक कट दे देते हो आधी पिक्चर तो आपने काट दी सर फैमिली वाली पिक्चर है सर और ये ऐसी पिक्चर है जो काफी लोगों के मुंह बंद करेंगे कि गोविंदा ने और पैलाज नानी का जो कॉम्बिनेशन है सर करोड़ों रुपया इस फिल्म में लगा है सेठ जी का एक कहना है अगर चार घोड़े चाहिए सोलह घोड़े लेके आओ बोले सेठ जी ये पिक्चर पिक्चर बोले कुछ नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा चाहे मेरे पास आमिर खान नहीं है मेरा आमिर खान मेरा शाहरुख खान गोविंदा है और सर ये बात सत्य है ये फिल्म आएगी तो लोगों को समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर और एक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है मुझे तो एक खैर बहरहाल ये सूट ही नहीं किया कि मैं किसी के साथ कॉम्पीट करूँ मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है मुझे किसी का साथ नहीं रहा तो इतने समय बाद जिस वक्त पेहलाद जी साथ दे रहे हैं तो पहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है पहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने गोविंदा का मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशनर है मैं नाम नहीं लूंगा उसका रात में एक बज के पाँच मिनट के ऊपर पार्टी में वो शराब पिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घातपात किए मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है आप निकली वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा वर्षानुवर्ष से करता आया हूं मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है उसे यह समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है उसके भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है लोग सब समझ समझते हैं ऊपर वाला है देखने के लिए मेरा यह सोचना है कि मंच तो प्रदान करे कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं कहां देख रहे हैं आप जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है आज जो मंच पे आए अरे जिसकी जरा भी मतलब तो जो पढ़ा लिखा नहीं है जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है किसी नेता की परवाह कहाँ करता है वो कहाँ करता है वो कहते किसी नेता की जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर यार ये क्या लगा रखा है ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली दिस इज ये डरा रहे हैं और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भाई इसलिए नहीं लगता कि मुझ पर कृपा रही है ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि सौ करोड़ की आबादी में सौ हीरो नहीं है और दस है उसमें तो मैं गोविंदा हूँ साथ में तो ऊपर वाले ने मुझ पर कर्म किया हुआ है उनतीस तीस वर्ष हो गए मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ परंतु घर चला दे आदमी थोड़ा बहुत काम कर ले उसे इज्जत मिल जाए इसका मतलब यह है कि नौ वर्ष उसे मंच ही आप दे मतलब मंच ही नहीं दे रहे यार ये क्या हो गया दस वर्ष हो गया गोविंदा जी मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपके जो प्रोड्यूसर हैं प्रहलाद जी इनके साथ मैंने 16-17 फिल्में की हैं जिसमें से 15 सुपर डुपर हिट हैं लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं ये सोचते भी इनका बजट ही नहीं होता है बजट तो बाद में बनता है जब फिल्म चलती है कि नहीं चलती है लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं अगर आप रामायण लिख रहे हैं और उसमें राम का शब्द नहीं यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर नहीं लिख सकते ना मैं एंड में चिल्ला के बोलता हूँ पिक्चर में जय श्री राम और आप देखना पूरा थिएटर खड़ा होके बोलेगा जय श्री राम क्योंकि इतनी क्लीन भगवान औरत की इज्जत बहन की इज्जत माँ की इज्जत सब कुछ है सर एक कलाकार है हमने बहुत विलन के रोल किए हैं क्या क्या नहीं किया है सर सब कुछ किया है सेंसर को मध्य रखते हुए सब पास हुआ है इसमें हमारा हीरो है जो डबल रोल कर रहा है एक एक राम है और एक थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन वो सब एंड में सुधरते हैं फैमिली साथ हो जाती है सर आप ये जो काटेंगे मेरे हिसाब से ये तो पूरा ही एक प्रोड्यूसर पे इतना दबाव हो जाएगा कि आइंदा वो अच्छी सोच वाली फिल्म कैसे बनाएगा सर आप बड़ी बड़ी फिल्मों को पास करते हैं क्योंकि आपको खौफ है आप उनके लिए कुछ लिखते हैं कुछ करते हैं तो ये गलत है मेरे हिसाब से मीडिया अंडरस्टैंड पहलाज नहलानी दे अंडरस्टैंड की वॉट इज हिज स्टेक वॉट ऑल इज गिवन इन दिस फिल्म इंडस्ट्री फिल्म विच आर सुपर डुपर हिट्स फिल्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ टूडे द बिगेस्ट हिट इन सेंचुरी वॉज आंके इतनी आज के दौर में फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है जो वापस फिल्म बना रहा है क्योंकि चंदी लोग हैं जो सब थिएटर लेके बैठे और यह फिल्म बहुत अच्छी है और आई अ फाइटर एंड वी हैव द बेस्ट पीपल द मीडिया इज देयर आई थिंक मैं मीडिया से पूछूंगा आपको कुछ लगा तो आई फील कि मीडिया को हमारा साथ देना चाहिए थैंक यू बात आज देखिए इस फिल्म में मतलब गोविंदा शक्ति कपूर के अलावा इस फिल्म में दो नई हीरोइन और गोविंदा के साथ फ्राइडे वाली हीरोइन देगंगना है आज उनके कैरियर जो है आज उनको मालूम है कि हमारी फिल्म जो है सिक्सटीन को आठ को लगने वाली थी नहीं लगी अब सोलह को लगेगी आप बताइए कि नया कलाकार उबरने से पहले आज उसकी धड़कन क्या बोलती है कि हमारी फिल्म जो है हमारी पिक्चर पिक्चर जो है हम सोलह में ट्वेल्थ को पता, नहीं लग रही। नहीं ट्वेल्थ को पता चलेगा गोविंदा जी अभी आप हिम्मत मत आ रही है, है खुदा है हर चीजें हैं अशोक सरोगी जी हमारे साथ हैं और जो है और साथ में मीडिया साथ में है और जो है केस हमारा आएगा तो उसके अंदर सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है आप उसमें देखिए कि क्या होता है जब कुछ है ही नहीं तो डर किसका तो होगा जो अच्छा होगा लेकिन आज जो है दड़कन जिस तरह से आपकी मेरी शक्ति की लगी हुई है इस तरह से मिशिका आज नहीं है मिशिका चौरसिया अनु अग्निहोत्री नहीं है उनकी दड़कनों को भी देखिए कि जब इनकी पिक्चर रिलीज होने वाली है और पता चला नहीं आया अब इसके दिल में क्या है इसकी फीलिंग क्या है आप इनसे पूछिए आई एम डूइंग जब मुझे पता चला था मैं पहलाजी की फिल्म करी तो आई बिकेम सो हैप्पी क्यों वो बहुत फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं लाइक यू नो पूरा फैमिली एक साथ बैठ के देख सकता है और जैसे लाइक वाइल्ड शूटिंग ऑल्सो हम लोग बहुत खुश थे हमारा शूटिंग भी बहुत एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में हुआ अभी जब जैसे ही बात रिलीज़ पे आई एंड ऑल दैट तो पहलाजी का तो रिकॉर्ड है उन्होंने आज तक जो भी फिल्में है, बनाई हैं वो सारी क्लीन क्लियर वाली बनाई है बिकॉज ही आल्सो नोज द रूल्स एंड रेगुलेशन तो उनका आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उनको सब कुछ पता है कि क्या बनना चाहिए क्या बन नहीं बनना चाहिए क्या मीडिया तक क्या ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और वो वैसे भी अपने सी बी एफ सी की में रह चुके हैं तो उनको और भी ज़्यादा नॉलेज होगा ऑफकोर्स है तो ये जो उनके साथ हो रहा है मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा राइवल्स की वजह से हो रहा है प्लस मुझे ऐसा लगता है जब वो वहाँ से लाइक जब वो उस पोजीशन पे नहीं थे तो पूरी सीबीएफसी वेट कर रही थी क्योंकि उनकी न्यूज़ आ चुकी थी कि अब ये एज अ प्रोड्यूसर ही इज़ कमिंग बैक ही इज़ गोना मेक द फिल्म तो उन लोग मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बहुत वेट कर रहे थे कि जैसी इनकी फिल्म आए तो हम लोग कुछ करें हम लोग कुछ करें तो जैसी कुछ आए अगर आपने ये सारे कट्स देखे हैं इसमें ऐसा कोई भी कट्स नहीं आज की डेट में जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं आप ऐसी फिल्म नहीं देखेंगे चाहे आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए आज की डेट में अंधाधुन स्त्री मन मर्जी अभी लेटेस्ट विल आई एम टॉकिंग अबाउट सारे उसमें डबल मीनिंग है सारे उसमें लाइक यू नो बहुत ज़्यादा ओवर लाइक uh, like, आज की जो लैंग्वेज में लाइक like, like, जो यंगस्टर्स uh, बात करते हैं यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बताए अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन भी ना बता पाए तो हम फिल्म अपनी कैसे आगे बढ़ाएं जब लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइक स्लैंग्स में बात कर सकते हैं लाइक यू नो फ्रेंड्स स्लैंग्स में बात कर सकते हैं तो यहाँ पे तो लाइक यू नो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन तो और भी ज़्यादा प्योर होता है बहुत ज़्यादा साथ साथ में रहते हो तो उन लोग की तो ज़्यादा यू नो ओपननेस होती है तो आई फील दिस इज़ रॉन्ग ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है और लाइक like, गोविंदा जी की फिल्म भी लाइक यू नो उन्होंने जो जो काम किया वो सारी इंडस्ट्री और सारी ऑडियंस देखेगी कि, कि क्या काम किया है वो फिल्म आने के बाद पता चलेगा बट अभी जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है वी वॉन्ट द जस्टिस इन दिस थैंक यू वेरी मच मैं किसी से कंपटीशन या मैं किसी से परस्पर में वाद विवाद करूं ऐसा मेरा विषय ही नहीं आप ये लोग सोच रहे होंगे ना यहाँ पे भी ये सोचा जा रहा होगा ना कि मैं इस पिक्चर के विषय के बारे में अभी तक क्यों नहीं कितना ज्यादा नहीं देखे मंच दे, मंच दे, मंच तो प्रदान करे गोविंद अभी जो है ना बात जो है ना अभी मंच रंगीला राजा की चल रही है मैं मैं, मैं, मैं अभी उसकी जो है ना इस पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ मुझे ऐसा माहौल नजर आ जाए जो मैंने फिल्में देखी है कि जैसे मैंने फोर्टीज की फिल्में देखी है मैंने वो टाइम भी देखा है जिसमें सेवेंटीज की फिल्में देखी है मैंने एटीज की फिल्में देखी है मैंने अभी नाइन्टीज की फिल्में की सब ला, मतलब लाइन में सुपर हिट रही हुई है, अब ऐसे में इससे बहुत ज्यादा फिल्मों में मैंने देखा है ये एकदम से वही पॉइंट पकड़ ले रहे हैं जो लोग चाह रहे हैं कि ये कटेगा तो ये फिल्म नहीं चलेगी जो फिल्म नहीं चलेगी उसे बहुत ज्यादा थिएटर दे दो जो चलेगी उसे ठेठरी ही नहीं दो लग रहा है कि इस पॉइंट पे हंसी आ जाएगी उसे काट के निकाल दो लग रहा है कि ये पॉइंट पे चल तो नहीं जाएगी पिक्चर किसी की क्यों कि चलानी ही जो है किसी एक वर्ग की एक ये भूमिका मुझे नजर आती है कि वही चाह रहा है कि ये बाकी जितने जाए मेरा ऐसा सोचना है तो ये बाकी में जो डाल रहे हो ये बाकी में पहलाज निगरानी कहां से आ जाएंगे भाई मेरा ऐसा सोचना है कि दिस इज Uh, जो लोग वर्षानुवर्ष काम करते आए हैं कितने आर्टिस्ट लेके आए हैं आज हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं आदरणीय शक, शक्ति कपूर जी जो कह रहे थे कि अठारह उन्नीस पिक्चर किए उन्होंने ऐसे में जिस आदमी के साथ काम किया हुआ है वो वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है शहर में माहौल अच्छा नहीं है ये फिल्मों के लिए ये पहला कि जहाँ जहाँ आपकी बात जो वेब सीरीज की बात कही देखिए वेब सीरीज के लिए कोई कानून जो है है नहीं लेकिन टी के लिए कानून है ब्रॉडकास्टर को जो है आ, मिनिस्ट्री ने जो है अपॉइंट किया हुआ है कि सेल्फ टीवी वालों को सेल्फ रेगुलेशन जो है उनको अपनाना है लेकिन सेल्फ रेगुलेशन जो है मॉनिटर करने के लिए आ, मिनिस्ट्री है ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है लेकिन मॉनिटर आज हो नहीं रहा है मैंने जब सीबीएफसी में था जिस तरह से हमें तकलीफ़ आ रही थी कि टीवी में प्रोग्राम्स में लाइव में भी चल रहा है लेकिन हम वो उसको गाइडलाइन के हिसाब से उसको कट देना पड़ रहा है तो वो भी मैंने उस टाइम लिखा था कि आप या तो एजेंसी को टाइट कीजिए या तो फिल्मों को आप सर्टिफिकेशन से निकाल दीजिए क्यों जो टिकट लेके सिनेमा में पैसे देख के जाता है उसको तो जो ना बंदिश है कि कुछ नहीं देख सकता टीवी में घर बैठ के आप फ्री में पिक्चर सिनेमा भी देख रहे हो तो उसको सर्टिफिकेट चाहिए यूएस सर्टिफिकेट का तो देख सकते हो लाइव प्रोग्राम जो चल रहे है, या कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी प्रोग्राम चलते हैं उसके अंदर बहुत सी आ, चीज़ें निकल जाती है उसका कोई मॉनिटर सिस्टम ही नहीं है आज जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से कंटेंट को लोड किया जा रहा है या वेब सीरीज बन रही है आपने सब ने देखा होगा कि साढ़े फुट स्टेप जो इंडिया में आता है वो मिनिस्ट्री के अंडर आता है आई मिनिस्ट्री के अंदर आता है आई मिनिस्ट्री के अंदर सी बी एफ सी भी आता है और टी भी आती है और वेब सीरीज भी इसके अंदर आता है जिस तरह से मुझे याद है प्रमोद महाजन जी ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था लेकिन कहा था कि पाकिस्तान का कोई पी टी वी यहाँ पर नहीं आएगा किसकी मजाला है कि पी टी वी दिखाया गया हो मतलब विल्ली नहीं, नहीं है किसी मिनिस्टर के पास काम इतना है एक मिनिस्टर के पास एक मिनिस्ट्री नहीं है छः छः मिनिस्ट्री है तो काम क्या होगा कौन देखेगा सारे सोए हुए जागना इनका बाकी है क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलटी जो है देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर देखना गवर्नमेंट का काम है उसमें एजेंसियाँ सिर्फ फिल्म के लिए बनाई गई है चाहे उसका ट्रेलर भी आए अगर प्रोमो भी आता है तीस सेकंड का तो उसको भी सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन आपकी तीन तीन घंटे के प्रोग्राम टीवी में आता है उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आज वेब सीरीज में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप क्यों आप शिफ्ट करके लोग इसमें चले जा रहे हैं फायदा हो या ना हो क्योंकि सरकार गूंगी है बहरी है देख नहीं रही है और पॉलिसी अलग अलग है स्क्रैप करना चाहिए टोटल फिल्म सर्टिफिकेशन जो है सिनेमा के लिए या तो वेब सीरीज में लेके आए सर्टिफिकेशन टीवी को मॉनिटर करने के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग में कम से कम 300 करोड़ रुपया खर्चा करती है उसको बिल्कुल टाइट करना चाहिए कि कैसे गलत कंटेंट जा रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी इस देश को खत्म करेगी खोखला करेगी जिस तरह से नोटों ने खराब कर दिया इस तरह के देश के कल्चर को भी खराब करने के लिए ये अलग अलग पॉलिसी होगी राज जी नॉर्मली कई बार सेंसर बोर्ड ये भी पेशकश करता है प्रोड्यूसर को क्या आप इतने कट्स ले लीजिए और यूए ए के बजाय ए ले लीजिए क्या ऐसी पेशकश आपको इस फिल्म के लिए की है देखिए मेरे को बिल्कुल मैंने यू अप्लाई किया था यू मुझे दिया गया और इस पिक्चर ए जो है लेके उनको किसी को भी यू को ए दे नहीं सकते क्योंकि ए के लिए थीम होती है थीम ना हॉरर है ना वलगर है ना ऑपरचुनिटी है ना सेक्स है ना वायलेंस है ना किस है चीक पे भी किस नहीं है इस पिक्चर में क्योंकि इंटरटेनमेंट गोविंदा के साथ बना रहे हो तो स्टाइल और इंटरटेनमेंट चाहिए और इस फिल्म में इंटरटेनमेंट है बिगर किसी के गर्चुनिटी के पहला जी uh, जैसे कि पूरे इंडस्ट्री का इशू है यू आर अ बिग टाइम प्रोड्यूसर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करके गोविंदा जी के साथ में जरा लॉस ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हुआ ज्वाइनिंग यू एक्चुअली जरा स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स हर दूसरी तीसरी फिल्म में ये प्रॉब्लम आते ही है एक्चुअली तो क्या लगता है कि ये जो सेंसरशिप जो है वर्किंग स्टाइल है मतलब हाउ इट कैन बी चेंज सो इट इज फॉर द इंडस्ट्री एक्चुअली देखिए मैंने कहा ना कि छोटे प्रोड्यूसर बेचारों के पास ताकत ही नहीं होती है जब फिल्म जो है लीला बंसाली जैसे बंदे को तीन महीना रुकना पड़ा कितना पैसे पहले आ, पहले लाखों में बनती थी बाद में करोड़ों में बनने लगी आज जो है ठग ऑफ हिंदुस्तान चार सौ करोड़ की पाँच सौ करोड़ की बता रहे हैं जो आने वाली अक्षय कुमार की और रजनीकांत की फिल्म आ रही है छः सौ करोड़ की बता रहे है। अगर एक हफ्ता डिले हो जाए तो आप उस पर बर्डन कितना करोगे आज जो है पिछले जब से ये लीला बंसाली की फिल्म को पद्मावत को रोका गया ये 68 डेज़ के रूल में अगर आप सर्टिफिकेशन प्रोड्यूसरों से आप आ, सोशल मीडिया में पूछिए कितनी रिलीज कैंसिल हुई बिकॉज ऑफ पद्मावती पद्मा उफ पद्मावत आप बता चलेगा कि कितनी पिक्चरें जो है रुक गई हर दिवाली में तीन पिक्चर भोजपुरी रिलीज़ होने वाली थी नहीं हुई खाली एक ही हुई तो आज जो है ये कंप्लीटली जो है ना पर्सन जोशी का फ्लॉप है मतलब इसका कोई मतलब जो है ना कंट्रीब्यूशन नहीं है कोई इसका जो है ना कोई लेना देना नहीं है ऑफिस में जाता नहीं है यहाँ तक कि बड़ी फिल्मों का सर्टिफिकेट साइन करने के लिए ताज में बुलाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोड्यूसर को चार चार घंटा रुकना पड़ता है दूसरी बात कि बड़ी फिल्मों का साइन करता है छोटी फिल्म में सर्टिफिकेट साइन करने में उनको तकलीफ़ होती है क्योंकि जाते ही नहीं हैं और जहाँ मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया था पूरे पहले रीजनल ऑफिसर नौ रीजन है इंडिया में जहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद चेन्नई त्रिवेंद्रम उड़ीसा कट इस तरह से सारे नौ रीजन है जहाँ पे देते वहाँ पे इंडिविजुअल ऑफिसर जो है अपना सर्टिफिकेट देता था पिक्चर देख के पास करता था नहीं किया था लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट आने के बाद क्योंकि सारी इवन एप्लीकेशन आएगी तो चेयरमैन हैज़ टू क्ली क्लियर uh, कि ये पिक्चर प्रॉपर है या नहीं है वहाँ से स्क्रूटनी होने के बाद येज टू क्लियर इट अगर छोटा प्रोमो आपका थर्टी सेकेंड का भी आएगा अगर फिल्म देख के पास भी हो गया है तो यस टू क्लिक ना वो घर से करते ना ऑफिस से करते हैं ना अपने उस पासवर्ड जो है सिर्फ दे के रखा है अपना रीजनल ऑफिसर को जो वही क्लियर करता है करने वाला भी वही देने वाला भी वही करने वाला तो कहीं आपकी अंकुश है ही नहीं कहाँ पे कुछ है ही नहीं अगर ट्रांसपेरेंसी जो होती वो ख़त्म हो गई आज जो है पैसे का खेल वापस हो गया आज फिर अपना ब्रोकर जो है जो नहीं जाते थे मेरी वजह से मतलब जो रोका था उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में भी फाइल किया था केस बट मैं वहाँ भी लड़ा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होता था उसको सी में पकड़ के उसको अंदर भी बंद करवाया तो मैंने जितना मॉनिटर जहाँ पे प्रोड्यूसर की जो है गलत जो कंटेंट सर्टिफिकेट देने के बाद घुसे देते थे कुछ ऑप्शन सीन डाल देते थे वहाँ पे सारी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को सारों को अरेस्ट करवाया तो जहाँ पे जहाँ पे सिस्टम सिस्टम सही हो वहाँ पे सबको तकलीफ थी आज मैं इसलिए उस सिस्टम की वजह से मैं भुगत रहा हूँ क्योंकि सबको चाहिए था कि नोट सबको चाहिए लेकिन पहला पहला मैं मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने पहले कहा कि आ, ये जो केस है पूरा वो कोर्ट में है सोमवार को शायद उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना आपने उचित क्यों समझा एक दूसरी बात ऐसी ये सब होने के बाद आप सी बोर्ड को मानते हो या नहीं मानते देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से इतने बोटल है इतने मतलब जो है डिजिटल सिनेमा है आज अपना ऑनलाइन में पूरी पिक्चरें नेटफ्लिक्स है अमेजॉन है, है और बाकी सारे साइट्स हैं सबके अपने अपने पोर्टल्स है आप मुझे बताइए जिस तरह से कंटेंट हिंदुस्तान में दिखाया जाता है आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो दुनिया करो मुट्ठी में आज हर फोन में जो सिनेमा हॉल है तो आप मुझे बताइए तो सेंसर अगर प्रोमो तीस सेकंड का टीवी में भी चले उसको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए क्यों मतलब टीवी सीरियल को अपना वायलेंस आज कितना वायलेंस जो है ना बढ़ गया है जहाँ पे एनिमल्स आपको जो है बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए टीवी के लिए नहीं चाहिए आपको आप जो है सारे रूल जो है सिनेमा जो टिकट लेके खर्चा करता है प्रोड्यूसर इतनी टॉर्चर से पिक्चर बनाता है हर तरह से सहने के बाद में येस टू वेट फॉर द सर्टिफिकेट और मतलब बाकी आप जो है ना चौबीस घंटे में आपका कंटेंट बन जाता है एक्टर रात रात भर काम करते हैं सुबह टेलीवे टेलीविजन में टेलीकास्ट होता है उसको सेंसर नहीं है तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री को यहाँ तो स्कैप करना चाहिए सर्टिफिकेट या तो पूरी तरह से सबके ऊपर लागू होना चाहिए नजर सबके होनी चाहिए मानते हो कि नहीं बोर्ड को बिल्कुल अगर ये हालत रही तो मैं बोर्ड को नहीं मानता आई लॉर्डली क्वेरीफाई वन थिंग आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि टेलीविजन का और वेब सीरीज का हाईकोर्ट में ऑलरेडी एक पिटिशन फाइल हो चुकी है कि इसको एंटायर जो है सेंसर सिस्टम को जो है स्क्रैप किया जाए 1952 में जब कानून बना था उस वक्त के हालात बहुत अलग थे आज के हालात आज लोगों की मैंटलिटी जो है बिल्कुल अलग है तो वो पैरामीटर्स जो आप 1952 में जो अप्लाई करना चाहते थे वो आज आप अप्लाई नहीं कर सकते तो एक पिटिशन ऑलरेडी फ़ाइल हुई है और मैं समझता हूँ रीओपनिंग में उसकी हियरिंग होगी और, और पहला जी की पिटिशन में भी हमने एक इशू डाला है हालांकि हमने उसको परश्यू नहीं किया है परंतु हमने एक ग्राउंड बनाया है कि आप जो है बार बार जो कट्स की बात करते हैं पहली बात तो आपको कट्स देने का कोई अधिकार नहीं है और दूसरी बात आप एक पिक्चर में जाते हैं आप एक पिक्चर में ऐड देखते हैं पिक्चर स्टार्ट होने के पहले ऐड आती है इंटरवल में ऐड आती है उस ऐड में आपको हमेशा सेंसर सर्टिफिकेट दिखेगा मगर वही ऐड जो है अगर टेलीविज़न पर आती है तो उसे कोई सेंसर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए टी जो है हर घर में है सिनेमा हॉल के लिए आपको तीन सौ रुपये पाँच सौ रुपये की टिकट खरीद के एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है आप उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं मगर टीवी के लिए वेब सीरीज़ के लिए यूट्यूब के लिए फेसबुक के लिए इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसके बेसिस पे प्रोड्यूसर्स की बॉडी ने ऑलरेडी एक पिटिशन फाइल किया और मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द उसकी हियरिंग होगी सर ये पहला क्वेश्चन था कि अगर पिटिशन आपने दाखिल किया है सोमवार को उसका रिजल्ट है तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना क्यों उचित समझा देखिए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस को हम समझते हैं कि वो एक जनता का मिरर है अगर वो जनता का मिरर है और प्रेस को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि प्रेस का रिव्यू क्या है अगर वास्तव में आप लोग कहते हैं कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर कट जो समाज के लिए जो है गलत है तो हम उसको वॉल्टरली एक्सेप्ट करने तैयार हैं मगर अगर आप हमारे साथ हैं आप जनता का एक मिरर हैं आप जनता की भावनाएं जो है सामने रखते हैं और अगर आपको लगता है कि वास्तव में नाइंसाफ़ी हुई है तो डेफिनेटली हम आपका सपोर्ट चाहते हैं कोर्ट डेफिनेटली हमार हम सक्सेस हम होंगे मगर उसमें आपका साथ हमें डेफिनेटली चाहिए और कहीं ना कहीं फिल्म जगत में एक रिवोल्यूशन की जरूरत है जहाँ जैसे गोविंदा जी ने कहा कि एक पर्टिकुलर वर्क की पिक्चरें जो है अटका दी जाती है अब हर एक को आप आप इंडिया में हैं फ्री ट्रेड में हैं आप फ्रीडम हैं आपको पूरी और फिर भी आपको एक पर्टिकुलरली अगर टारगेट किया जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों का साथ अगर होगा तो हम इस अन्याय से जो है लड़ाई कर सकते हैं